हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस कंसीडर्ड बाय सनराइज सेकेंडरी स्कूल टोडी गुड़ागोड़जी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनेंगे, लुक एट द पैटर्न। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर संडे चलता रहेगा। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई और वी के साथ, आई और वी अकॉर्डिंग विथ सेल एंड ड्यू टू ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ विल। सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल नोट हैव यूज करेंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल हैं, उनके साथ विल नोट हैव यूज करेंगे। लुक एट द थर्ड नंबर फर्स्ट, सी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी कम्स। देखिए, सी के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है, विल, और ये है, देखिए ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, इसको मैन वर्ब के साथ रखेंगे। परफेक्ट इन्फिनिटिव को ये हमेशा मैन वर्ब के प्लेस पर आएगा। किसके प्लेस पर आएगा, एमवी के प्लेस पर। ये रिटर्न है, ये परफेक्ट टेंस को पूरा करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल वी थ्री के रूप में यूज हुआ है। द लेटर बिफोर हरी कम्स, देखिए सेंटेंस को नेगेटिव सेंस प्रोवाइड प्रदान करने के लिए मैन वर्ब से जस्ट बिफोर नोट यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद में नोट यूज करेंगे। थर्ड नंबर पे नोट यूज करेंगे, सी विल नोट हैव रिटर्न द लेटर बिफोर हरी कम्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द चाइल्ड विल नोट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। ही द चाइल्ड के अकॉर्डिंग विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। ये हैव ड्रंक, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ने परफेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में हैव यूज हुआ है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। देखिए, सेंटेंस को नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करवाने के लिए मैन वर्ब से जस्ट बिफोर नोट यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर ठीक बाद में नोट एडवर्ब यूज करेंगे। तो द चाइल्ड विल नोट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स, तो सेंटेंस कैसा बना, नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई शैल नोट हैव डन माय वर्क बिफोर द टीचर कम्स। आई फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सेल यूज हुआ है। हैव डन परफेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में डन यूज हुआ है और मैन वर्ब से जस्ट बिफोर नोट यूज करेंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर नोट यूज करेंगे। एडवर्बल के रूप में नोट का प्रयोग करेंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। तो सेंटेंस बना है, I shall not have done my work before the teacher comes. Next example, in negative sentences, note is used after the helping verb will shall. Negative sentence में नकारात्मक वाक्यों में note का प्रयोग helping verb के ठीक बाद में किया जाएगा या किया जाता है। Helping verb will shall जो model auxiliary verb है, ये सबोर्डिनेट फॉर्म के सपोर्ट फॉर्म है जो सेंटेंस को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में
पूरा करती हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, पैटर्न विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वही अग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ, आई और वी के साथ सेल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल हैव परफेक्ट न्यूटिविक इन्फिनेटिव के रूप में यूज करेंगे। वी थ्री पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इसको रखा जाएगा। सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का पूरा ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। विल द बॉयज, द बॉयज के अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ है, विल हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज सेवन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, को मॉडल ऑक्सिलरी को सेंटेंस के स्टार्ट में यानी कि शुरू में रखेंगे। Shall we not have taken the tickets before the train arrives? Shall we के according sentence में start में रखेंगे interrogative sentence में, और we के according shall use करेंगे। Sentence interrogative का negative भी है, तो third number पे not have perfect infinitive से just before, main verb से just before not use करेंगे। How many boys will have comes here before the sun sets? How many WH word है, और ये boys इसके साथ में relevant noun है, तो ये पूरा यहाँ तक WH word है। ठीक है, इसके बाद में auxiliary verb आएगी। ठीक है, और फिर have comes here before the sun sets। Who will have placed their son before the teacher comes? हु से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड के ठीक बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैव प्लेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेस्ड। ठीक है, सन बिफोर द टीचर कम्स, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। वेयर डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक बाद में ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है परफेक्ट इंपलिटी, और ये वी थ्री गॉन गो की थर्ड फॉर्म। विल और शैल इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंस सी द सेंटेंस नंबर वन टू अबो। ऊपर आप सेंटेंस नंबर एक और दो में देख सकते हैं विल और शैल का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में करेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। सेंटेंस के शुरू में विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग विथ शैल, एंड ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ विल ड्यू टू ऑल सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ईटीसी आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस फॉलोड बाय विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, जैसे व्हाट दे रखा है, वेयर दे रखा है, व्हाई दे रखा है, व्हेन दे रखा है, तो इसका प्रयोग करेंगे सेंटेंस के शुरुआत में, और इसके ठीक बाद में विल शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। विल शैल के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर परफेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में हैव का यूज करेंगे, परफेक्ट इन्फिनिटिव है, और वैसे देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म भी है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को नियम को पूरा करती है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट टेंस को पूरा कर रही है। एडजेक्टिवल डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच टेक देयर रिलेवेंट नाउन्स विथ देम। एडजेक्टिवल डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच, तो उसके साथ में जो रिलेवेंट नाउन है उसको रखेंगे, और फिर विल शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो परफेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में है, इसके ठीक बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए सेंटेंस का निर्माण कर देंगे। इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नोट इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ड, सी द सेंटेंस नंबर थ्री है वो। इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, ऐसा सेंटेंस नंबर थ्री में ऊपर आप देख सकते हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क
इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे।